अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सब व्यूअर्स को एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद चौधरी। तो आज संडे है, वैसे तो संडे ऑफ होता है लेकिन आजकल नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स मुझे कहीं जाना है तो मैं आजकल संडे भी ऑफ कर रहा हूँ और कभी कभी पूरा दिन भी कर रहा हूँ। लेकिन अब क्योंकि आज मुझे जो है इसकी वीडियो बनानी थी बीच की, क्योंकि ये लास्ट वीक है बीचेस का, तो यहाँ पे लेबर डे आ रहा है तो बीच जो है वो ऑफिशियली क्लोज हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा आज ये जो है बना ली जाए। तो सबसे पहले मैं आपको एक समुंदर का पास से दूंगा बिल्कुल क्लोज जाके, और फिर हम जो है ना वो बाकी सारा मैं टूर दूंगा एंड ऑफ दी बोर्ड वॉक का, कि कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। तो आप मेरे साथ रहें तो अभी आपको सारा दिखाते हैं। अभी मैं क्लोज टू बीच जा रहा हूँ, तो ये जो है सारा बीच का एरिया है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये अब मंडे को लेबर डे और सारा ऑफिशियली जो है वो हो जाएगा क्लोज हो जाएगा बीच। बीच तो खुले होंगे लेकिन जो यहाँ पे सिक्योरिटी होती है वो अब बंद हो जाएगी। तो वो सामने जो है क्रूज जा रहा है जो कि 3 दिन के लिए यहाँ से चलता है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता लेकिन ये यहाँ से गुजरता है वीकेंड पे। क्लोज करके दिखाता हूँ आपको, ये सारा बिल्कुल मैं बीच के क्लोज आ गया हूँ। वैसे तो यहाँ पे जॉगर्स नहीं पहने जाते लेकिन अभी मुझे क्योंकि वॉक करनी है तो मैं कहीं उतार नहीं सकता। ये अब मैं बिल्कुल समुंदर के करीब आ गया हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये सारे का सारा लोग अपनी बोट्स लेके आए हुए हैं, वो देखें सामने बिल्कुल करीब आपको बोट नजर आएगी, तो बोट्स लेके आए हुए हैं। ये इनकी प्राइवेट्स हैं, इधर हमारे आइलैंड में ही सेटन आइलैंड में ही इनका यार्ड है जहाँ पे लोगों ने अपनी बोट्स जो है वो प्राइवेट बोट्स जो है वो पार्क की हुई हैं। तो मेरे साथ रहें, मैं दिखाता हूँ आपको सारा। एक और क्लोजर लुक आप, अब ये अभी हमारी बहुत पास से गुजर रहा है क्रूज जो है। ये सारी की सारी वॉक है, लोग अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं, आज संडे है उसको एंजॉय कर रहे हैं। मैं दिखाता हूँ जहाँ पे कुर्सी लगा के चेयर लगी हुई है जो यहाँ पे सिक्योरिटी है बीच की, तो वो बैठी होती है, तो इसी वजह से इस एरिया में ज़रा ज़्यादा रश होता है, लोग भी अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। तो ये आप रश देख रहे हैं क्योंकि आज टेम्परेचर ने भी 90 फॉरेनहाइट को टच किया तकरीबन। तो ये सारे का सारा देख रहे हैं, हवा और समुंदर की ये आवाज़ दोनों आपको आ रही होंगी। तो ये सारा यहाँ पे जो मैक्सिकन्स हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, आज संडे को सब एंजॉय कर रहे हैं। जी ये सारा
मैंने जैसे कि आपको दिखाया क्लोज टू सारा का सारा आपने देखा। अब मैं ऊपर आपको बोर्ड वॉक पे ले जाऊंगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं रेत बहुत ज्यादा और मैं शूज लेके आ गया। तो अगर मैं उतारता तो मैं कहाँ रखता, तो मुझे बनानी थी वीडियो, तो अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो मैं अब बाकी आपको सारे का सारा बोर्ड वॉक दिखाता हूँ। एक होटल है से आप मैरिज हॉल भी कह सकते हैं, रेस्टोरेंट भी है। तो आज यहाँ किसी का जो है वो कोई ना कोई मैरिज सेरेमनी है या कोई ना कोई फंक्शन है, इस तैयारियां हो रही हैं। ये यहाँ पे ऑलवेज आप आओ तो आपको म्यूजिक लगा हुआ मिलता है। आपको यहाँ पे अभी वीडियो में भी इनका शौक है डॉग्स, ये अपने बच्चों से ज्यादा इनका ख्याल रखते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे। ये इनकी बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स बनी हुई है पूरे मॉल्स में ही, जितने जितने हमारे रेगुलर खाने के स्टोर्स हैं उतने इनके जो हैं वो इनके डॉग्स कैट्स और बाकी जो पेट्स इन्होंने रखे हुए हैं उनकी चीजें। इसमें से एक पेट स्मार्ट है और एक पेट को है। ये जो है वो पार्किंग भी है, जो लोग आते हैं और ये फ्री है, ये सारी यहाँ की पार्किंग है। और ये यहाँ का साउथ पिन बड़ा फेमस है, जिधर मैरिजेस के लिए हॉल भी है और वैसे भी ये रेस्टोरेंट भी है और काफी फेमस है। देखिए इंडोर मैरिजेस हॉल है, लेकिन आज जो मैरिज हो रही है उसकी जो है वो सेटिंग सारी बाहर आउटडोर में है। पॉइंट है जहाँ पे बच्चे आके खेल सकते हैं, उनके छोटा सा प्ले ग्राउंड है। लोग जो है वो साइकिलिंग बहुत ज्यादा करते हैं, उसमें कोई एज नहीं है। लोगों ने अपने कैंप्स लगाए हुए हैं, अपने टेंट्स हैं ये इनके, और उसी में वो अपना फन कर रहे हैं, अपना फूड शूट साथ लाए हुए हैं। तो अभी जैसे जैसे शाम होगी रात होगी तो यहाँ रश खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये लोग यहाँ पे बीच वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो अपना नेट लगाया हुआ है, देख रहे हैं आप। आपको नजर आ रहा है ये यहाँ सिटी का जिम है, तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा है। यहाँ पे जो स्कूल की गेम्स होती हैं वो स्टार्ट होती हैं तकरीबन नवंबर दिसंबर में और फरवरी के एंड तक वो रहती हैं, और वो बहुत उसको ये सीरियस लेते हैं। यहाँ पे आपको पार्किंग नहीं मिलती क्योंकि हर किस्म की यहाँ पे जो है वो उनकी एक्टिविटीज़ गेम्स होती हैं, तभी ये लोग जब ओलंपिक्स आता है तो इतने मेडल्स लेते हैं, क्योंकि इनकी तैयारी यहाँ से शुरू हो जाती है, जो हाई स्कूल से ले कर हाई स्कूल कॉलेज, तो अपने टॉप एथलीट ऐसे ही बनाते हैं। क्योंकि ये इस किस्म की जब फैसिलिटी मिलेगी तो आपके खुद ब खुद जो है वो खिलाड़ी निकल के आएंगे स्पोर्ट्स में। तो ये इनका है, इसके अंदर हर किस्म की फैसिलिटी है। इधर हम भी जा सकते हैं, हमारा टाइम उन्होंने हमें शेड्यूल दिया हुआ है, मैं भी इसका मेंबर हूँ। और ये आम जो रेगुलर आपको लास्ट वीडियो में जिम दिखाया था उससे ये डिफरेंट है,
क्योंकि इसमें जो है वो ये सिटी का है, तो ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है। ये तकरीबन आपको इसकी मेंबरशिप $50 में पड़ती है 6 मंथ की। तो ये यहाँ का जिम था, मैंने कहा दिखा दूँ। पीछे सारे का सारा फॉरेस्ट है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और ये अपना फॉरेस्ट संभाल के रखते हैं, इसे काटते नहीं है। ये ऑलमोस्ट जो है वो हमने 75% बोर्ड वॉक पे हमने वॉक कर ली है। तो अभी मैं आपको फिशिंग वाले एरिया में लेके जाऊंगा जहाँ पे लोग फिशिंग कर रहे होंगे। बड़ा शौक है यहाँ पे लोगों को, रात के टाइम भी आया तो वहाँ पे फिशिंग हो रही होती है। तो साथ रहें, अब हम जो है वो फिशिंग स्पॉट की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपको फिशिंग स्पॉट दिखाता हूँ और साथ में बोर्ड वॉक पे, यहाँ एंड ऑफ द बोर्ड वॉक पे यहाँ फ्लैग्स लगे हुए हैं। ये फ्लैग्स जो हैं उन पे अलग अलग स्टार्स हैं, जैसे जैसे स्टेट्स यहाँ पे इनके साथ मर्ज होती रही हैं तो वो स्टार्स बढ़ते रहे हैं, और फिर एक फाइनल इनका फ्लैग है। तो मैं दिखाता हूँ आपको सारे, तो आप साथ रहें। अब आपको पार्किंग नज़र आनी शुरू हो गई होगी। ये जिन्होंने बीच पे नहीं जाना होता और यहाँ पे फिशिंग स्पॉट पे और यहाँ पे और बैठने की जगह बनाई हुई है वहाँ आना होता है, तो ये लोग जो हैं वो यहाँ पार्क करते हैं। तो ये साइड की सारी पार्किंग है, और अच्छी बात ये है जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सारी की सारी पार्किंग जो है वो फ्री है। जब कोई जो है वो मीटर पार्किंग नहीं है, सारी की सारी जो है फ्री है, कोई टाइमिंग नहीं है, 24 आवर ही है। जो है वो वापस जा रहे हैं ना जहाँ पे मैंने आपको फिशिंग पॉइंट बताया जो इन्होंने बनाया हुआ। और उसकी जो सबसे अच्छी बात यह है कि वो इंटरेस्टिंग भी है कि वो हमने समुंदर के अंदर जाके काफ़ी डीप जाके कंस्ट्रक्शन करके इन्होंने बनाया हुआ, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हम काफ़ी डीप चले जाते हैं वॉक करते हुए, तो वो सबसे मज़ेदार चीज़ है। अभी आपको मैं लेके जा रहा हूँ, दिखाता हूँ वहाँ पे। ये इनके डिफरेंट फ्लैग्स हैं मुख्तलिफ टाइम्स के, जब जब उनमें स्टेट्स ऐड होती गई। आप देख रहे हैं सब डिफरेंट टाइम्स के हैं। ये उन्होंने उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है सारी, जहाँ से वो शुरू हुए 1775 1777, ये देखें सारी। और ये जब एक दफा फाइनल हुआ ये सारा, और ये इसकी 1960 में 50 स्टार फ्लैग। तो ये सारी इनकी हिस्ट्री है। तो आपको एक छोटी जीप नजर आ रही है, ये बोर्ड वॉक की सारी कंस्ट्रक्शन, कोई भी उसका काम हो, ये सब इनके जिम्मे। ये गाड़ी जो आपको नज़र आ रही है, लाइट्स चल रही हैं, ये देख रहे हैं आप, ये सब इन्हीं के जिम्मे है। यही करते हैं इसको सारा टेक केयर, ये गवर्नमेंट की है। ये वो फिशिंग पॉइंट है। अब आप देख लें हमने कितना अंदर जाना है। यहाँ पे लोग जो हैं वो गए हुए हैं फिशिंग करने, तो ये मैं आपको इसका बाहर से आउटसाइड व्यू दे रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर जाने लगा हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। देख लें, ये कोई आंटी जी जो हैं वो मेरी दादी की उम्र की होंगी, तो हमारे वहाँ पे तो 60 साल में ही गिट्टे गोडे फारग हो जाते हैं, लेकिन ये वॉक करने आई। वेराजोना ब्रिज का व्यू आता है बहुत ज़बरदस्त, ये आप देख रहे हैं। ये इन्होंने यहाँ का लिखा हुआ है कि क्या परिंदे हैं, क्या यहाँ पे है सारा,
क्या बर्ड्स हैं। बर्ड माइग्रेशन एंड ईयर राउंड समर माइग्रेंट्स एंड विंटर माइग्रेंट्स। Just told you. ये भी एक बच्चा मिला है, ये अल्बी है, उसने कहा मेरी भी बनाए तो मैंने उसकी बनाई है। ये लोग यहाँ पे फिशिंग अब आप देख रहे हैं स्टार्ट हो गई है, लोग इंतजार में बैठे हैं जब कुछ मिले उनको, कोई फिश का बू आए। फिश भी नहीं आसानी से नहीं ये फेंकने लगी है, तो मैं दिखाता हूँ। ये जो फिश पकड़ लेते हैं उनके लिए उन्होंने बनाया हुआ, वो यही काट लेते हैं। ये देखें जी, सब अपने अपने डाल के जो हैं इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई हिलजुल हो तो ये फिश पकड़े। ये भी अपनी किस्मत आजमाने लगे अंकल। लोग फिशिंग करने आए हैं सब। पहले आप अंदर तक जा सकते थे, ये मैंने आज ही देखा, ये इन्होंने क्लोज कर दिया, कोई रीजन हुई होगी, अभी क्लोज हुआ। ये देखें जी, इतना डीप हम आ चुके हैं, वो मैं आपको वहां से दिखाया था, वहां से स्टार्टिंग है और हम ये जो है अब ऑलमोस्ट कितने फीट अंदर आ गए ये मुझे नहीं पता। नहीं जी, मैंने आपको फिशिंग का सारा दिखा दिया, पीछे से तक हम हो आए हैं। ये हमारा समंदर का एरिया, ये यहाँ के इन्होंने रेस्ट रूम्स बनाए हुए हैं, ये दो जगह है ताकि लोगों को ये भी मसला ना हो यहाँ पे। और ये साफ सुथरे हैं यहाँ, ये यहाँ की गवर्नमेंट ही साफ रखती है और लोग भी साफ रखते हैं, हमारी तरह नहीं है कि बाथरूम में जाके वहाँ नंबर लिखाते हैं। तो इस तरह है सारा। ये यहाँ की इकलौती टक शॉप है जो कि समर्स में खुलती है और वीकेंड्स पे खुलती है। तो अब हम आ गए हैं मेन एंट्रेंस पे, जहाँ पे मेन एंट्रेंस से लोग आते हैं, जो कि होटल की पार्किंग भी है, जो यहाँ पे एक मेन रेस्टोरेंट होटल और शादी हॉल्स हैं, और उसके साथ साथ ये जो है ब्यूटीफुल फाउंटेन है, इसे डॉल्फिन वाली फाउंटेन भी कहते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे जिम में कहा था कि आज ही वॉक शुरू करें, आज ही जिम शुरू करें, कल कभी नहीं आती। और यहाँ पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर मस्ट है, तो सी यू सून। अगर कोई गलती है तो हम उसे इम्प्रूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।